हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम, चुका है आप लोगों का गाइस हमारे फर्स्ट वीडियो में। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं एक भूतिया रास्ते में। मैं अकेला नहीं हूँ गाइस, हमारे मेरे साथ तो दो वो क्यूबियस और हैं। तो हम लोग आए हैं अभिजीत के टोंग के ऊपर, जुग्गी बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो हम उधर ही आए हैं, ये दोनों पहले ही जाके उसके ऊपर चढ़ गए गाइस। चलो अच्छा गाइस, ओ भाई कैमरा पकड़, चल कैमरा पकड़। तो गाइस मैं इसके ऊपर आ चुका हूँ गाइस, बहुत ज्यादा मेहनत और मशक्कत के बाद। मेरी तो भाई थक के मेरा हालत खराब हो गया है। अरे तू क्या कर रहा है इधर कोने में? देख रहा था अगर इधर कुछ मिल गया तो गाइस। अरे ध्रुव तू इधर क्या कर रहा है? भाई इधर देख अंडे मिले। ओ अंडे भाई, किस चीज के अंडे? ये किसी पक्षी के अंडे भाई। दिखा 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 मेरे हाथ में। दो भाई, सब देख सकते हैं गाइस। हम अभिजीत के टोंग के ऊपर कम से कम 2 साल हो गए हैं इसको, हम इधर आए हैं तो इधर अंडे मिले भाई। इसे अच्छे क्या है ये, मतलब कुछ तो मतलब पक्षी इधर कोई इंसान विंसान अभी आते नहीं है पता है ये, मतलब मैंने पहले आपको बोल दिया होगा ये भूतिया जगह। इधर ज्यादातर लोग जाते नहीं, कभी कभार जाते हैं, अगर मार्केट जाना हो इधर से शॉर्टकट पड़ता है तो इधर से चले जाते हैं। वैसे भी हम बहुत दिन बाद इधर आए हैं तो मतलब ऐसा है, इधर हमें अंडे मिल रहे हैं। तो आप लोग बताइए कमेंट में हम इस अंडे को फोड़ के आमलेट बना के खा जाएं या फिर इधर ही छोड़ दें, ठीक है गाइस? तो गाइस हम लोग दूर से हमारे गांव से चल के आए हैं, ये साला अंडे लेके अभी तक पड़ा हुआ है। अभिजीत तो अपने में लगा हुआ है और मैं सोच रहा हूँ कि इधर 2 मिनट रेस्ट करके फिर हम चलेंगे उधर हमारे खेत के उधर थोड़ा छाव वाव है, पेड़ पौधे हैं, तो हम लोग उधर जाके फिर थोड़ा सा उधर ही ब्लॉगिंग करेंगे आपके लिए। तो गाइस हम उधर जाके आपको मिलते हैं। तो गाइस हम लोग अभी पानी खत्म हो गया, इन दोनों ने इधर रेस्ट करते करते पूरा पानी खत्म कर दिया, मैंने भी थोड़ा पिया था। तो हम लोग अभी जा रहे हैं पानी भरने, तो गाइस चलते हैं। पानी पूरा खत्म है, थोड़ा सा है, ये मैं पी लूंगा अभी रास्ते में। तो ये है गाइस हमारा, ये उतर चुका है ध्रुव और अभिजीत भी उतर रहा है। अभी मैं इन दोनों को उतरने के बाद मैं भी उतर जाऊंगा। तो चलो गाइस, प्यास तो लग रहा है, हम और भी जाएंगे आपको ब्लॉग दिखाने के लिए, हम और भी जगह घूमने जाएंगे गाइस। तो चलते हैं, चलो चलो गाइस, चलो चलो गाइस चलते हैं हम लोग। मैं अभी जा रहा हूँ इधर हमारे गांव की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ये है एक घर है, आपको दिख रहा होगा इस साइड को, देखिए मेरे इधर है इस वाले घर पे एक ना, उधर हम पानी भरने जाएंगे गाइस। हम ज़्यादा दूर नहीं गए थे, मतलब टोंग तो पास में है, लेकिन हम पानी भर के जहाँ पे जाने वाले हैं तो वो जगह थोड़ा दूर है जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं मेरे खेत के उधर। तो गाइस चलो चलते हैं पानी भरने चलते हैं। ये लोग तो अपना ही फुसफुसा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। तो चलो गाइस हम लोग बस पहुंचने वाले गाइस, देखिए हम बहुत ज़्यादा पास गए हम तीनों, तो बस थोड़ा दूरी रह गया है अब। ये एकदम पास में है घर, ये रहा नल, हम मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ये वाला नल है गाइस हमारा, इसमें हम लोग पानी भरेंगे। तो गाइस चलते हैं हम लोग, 2 मिनट में मैं अगर नल में जाके आपको वीडियो दिखाता हूँ। गाइस हम लोग यहाँ से गेट तो बहुत दूर पड़ेगा, हम लोग शॉर्टकट मार के जा रहे हैं, देखिए ज़्यादा वो नहीं है, दिक्कत नहीं है इधर से जाने के लिए, वैसे हम जा सकते हैं इधर से, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम नल में पानी भरेंगे फिर जाएंगे, बहुत दूर है वो जगह, मैं आपको पूरे रास्ते का भी टूर कराता रहूँगा। गाइस ये दोनों अभी पानी भर रहे हैं, पानी भरने देते हैं, फिर मैं भी थोड़ा पानी पीऊँगा इधर से बोतल भर के, फिर हम लोग चलेंगे। तो गाइस ये लोग ये अभी पानी भर रहे हैं, इधर पता नहीं क्या क्या पेड़ हुआ हुआ है, और इधर किस चीज़ का पोस्टर, ये कि श्री श्याम माई केयर ऑप्टिकल और चंद्रपुर पब्लिक स्कूल, यहाँ पे देख सकते हैं ये अपना स्कूल का प्रचार कर रहे हैं। तो यही है, ये लोग पैर वैर धो रहे हैं, फिर हम लोग निकलते हैं गाइस आप अपने ब्लॉग पे। गाइस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत करिए, आप पूरा वीडियो देखिए, मज़ा आएगा लास्ट तक। और हम ऐसे ही वीडियो रोज़ रोज़ करेंगे, आप कमेंट भी किया करिए और सब्सक्राइब प्लीज़ गाइस, ओके? तो गाइस हमने पानी भर लिया है गाइस। अरे भाई ए, अच्छा लाने जा रहे उधर ही, ये नल पे ही बोतल रख के आ गया था, ये भूल गया था बोतल लाना। चलती है गाइस, ये हमारे इधर का बहुत बड़ा ये जमींदार उसका खेत है गाइस। अच्छा ये अभी पानी का बोतल लेके आ गया है, दिखा पानी का बोतल देता, ये बिस्लरी का पानी के बोतल में हमने नल का पानी भर लिया है और हम लोग जा रहे हैं अभी आपको पूरा टूर कराएंगे इधर का। ये दोनों इधर हैं और गाइस मैं भी इधर ही हूँ, हम लोग चल रहे हैं आप में आप हम लोग, मैं अपना उधर का एक टोंग भी दिखाऊंगा आपको, उधर में हमारा खेत भी है, उधर पे पूरा गेहूं कट चुका है हमारे घर पे, अभी उसको रखा हुआ है गेहूं, बेच देंगे 2-4 दिनों में। तो गाइस चलते हैं हम लोग अभी खेत की तरफ, मैं आपको पूरे रास्ते का बीच बीच में टूर कराता रहूँगा, क्योंकि अगर पूरा कराया तो वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा तो आपको मज़ा नहीं आया वो उसमें। तो हम लोग चल रहे हैं अभी। तो गाइस इधर एक वो पता नहीं साइकिल पंचर हो गया इधर, तो हम थोड़ा हाँ इधर वो साइकिल में शायद काटा घुस गया इसका, हवा कम हो गया है, तो हम लोग अभी देख रहे हैं इसमें क्या हुआ है। गाइस तो इधर
गया, अभी लोग तरफ जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं ब्लॉग शूट करने इधर के लिए। तो करते हैं गाइस, हमने इसको बता दिया, ये अभी जा रहे थे बहुत दूर है वो मार्केट, 3-4 किलोमीटर दूर। तो हमने बोला इधर गांव में ही हमारा शुभम दोस्त है, वो कर देता है पंचर ठीक, तो इनको पता नहीं था, तो मैंने इसको बोल दिया। तो इन लोग, ये लोग अभी उधर ही जा रहे हैं पंचर ठीक कराने के लिए। तो गाइस, तो हम वहाँ पे जाके मिलते हैं। पता नहीं इनका कुछ ठीक नहीं है, वैसे भी डेंजरस है भैया। हम सिर्फ अपना ही नाम का वो करते हैं, लेकिन दूसरे का नाम हम बता नहीं सकते गाइस, ये थोड़ा प्राइवेसी होता है। तो गाइस, तो हम तो इधर मोड़ की तरफ पहुंच चुके। ये उसी जमींदार का भैया, हमारा चाचा लगता है, उनका ये ट्रांसमीटर है। और उधर वो जो आपको दिख रहा है सफेद सफेद, वो इनका 12 है, ट्रांसमीटर से सीधा कनेक्शन जाता है उधर, आपको तो पता ही होगा। खैर अभी ये 12 का ही जमाना चल रहा है, बोरिंग वोरिंग कुछ होता नहीं है। पहले कुआ था, कुएं में बड़ा भूत आने लगा है अब। और ये हम पूरा व्यू दिखा रहे हैं आपको, इधर देख सकते हैं चारों तरफ खेती खेत है आपको। ये हमारा गाँव है इस तरफ गाँव, ये हमारा ये है साउथ साइड है। और इधर है सारा, आप देख सकते हैं हर साइड खेती खेत मिलेगा आपको। और उधर आपको शायद धुंधला दिख रहा होगा, उधर गेहूं निकाल रहे खेत से, तो इसलिए उधर ज़्यादा धुंधला है। तो गाइस इधर, अरे वो बहुत दूर है भाई, कैमरे के रेंज का अलग है, वो बाद में हम कभी जाएंगे उधर शूट करने तो वो दिखा देंगे। ये ध्रुव बोल रहा है कि उधर एक हेलीकॉप्टर है छत के ऊपर, तो उसकी बात कर रहा था इसलिए। तो दोस्तों अब वो मतलब ऐसे सीमेंट का बना हुआ है गाइस, वो सीमेंट का हुआ है तो इसलिए ऐसी बात है। बस हमने सोचा है कि हम इस ट्यूबवेल के अंदर जाएंगे, थोड़ा सा आपको दिखाएंगे, इसका टूर कराएंगे। तो हम लोग अभी चलते हैं ट्यूबवेल के अंदर। चलो भाई, मैं तो जा रहा हूं भाई। चलो चलो, ये साला पहले हर चीज में आगे रहता है, तो जुग्गी में भी पहले ही चढ़ गया हमसे आगे। ये चलो, ये भी हमारा सेकंड नंबर में, मैं साला हमेशा लास्ट रहता हूँ गाइस। चलो कोई बात नहीं, दोस्त अपने होता रहता है। चलो गाइस, अब हम लोग अंदर आ चुके हैं भाई, देख सकते हैं ये है भाई। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, ये है, ये 12 है हमारा मेन चीज है इस पूरे सामान का। देख सकते हैं ये कितने लाख का होगा, आप कमेंट में बता सकते हैं। ये पूरा सेटअप लगाने में, देख सकते हैं ये लोग इधर कुछ कर रहे हैं। ये है इसका, इधर से ऑन किया जाता है, आपको लग रहा है कि और वो ट्रांसमीटर है, पूरे गाँव के लिए एक ट्रांसमीटर जाता है, और इस एक अकेले 12 के लिए एक ट्रांसमीटर अलग से आता है। तो आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ही हाई वॉट का ये होगा पानी निकालने वाला। तो इससे भी बहुत सारा फायदा होता है, हर चारों तरफ के खेतों में आप पानी दे सकते हैं। तो यही है, इसीलिए सब लोग 12 लगाते हैं, हमने भी सोचा 12 लगाएंगे। तो देखते हैं, मेरा तो लगा हुआ है, ये हमारे ध्रुव भाई का लगा हुआ है, हम दोनों का ही नहीं है। हम लोग भाई गरीब है, ये साला सबसे अमीर है हम में से। ये भी गरीब है, मैं भी गरीब हूँ। इसके पास ये तो हमारा भाई गेमर है, ये बॉडी बिल्डर है, और मैं क्या हूँ, मैं हूँ भाई ब्लॉगर, आई एम अ ब्लॉगर। ओके गाइस, ओके, दिस इज अ एडिटिंग किंग, दिस इज अ बॉडी बिल्डर। भाई बॉडी दिखा दे आज, तू आज बॉडी दिखा दे, फर्स्ट ब्लॉग में तू बॉडी दिखा दे गाइस, तू आज अपना सिक्स पैक दिखा दे, तू आज फर्स्ट ब्लॉग में दिखा दे, बस बहुत होगा ना। एक बार तू ऐसे कर दे, बस ऊपर कर दे बस, नहीं हो जाएगा, ये है ही नहीं ना। तो गाइस अब ये क्या कर रहा है, अंदर क्यों जा रहा है ये, अच्छा इसके अंदर क्या, ये देख रहा था गाइस। तो हम लोग अभी चल रहे हैं दूसरे, इस रोड के सीधे जाएंगे, उधर से घूम के फिर आएंगे, मैं आपको पूरा टूर करा दूंगा रास्ते का। तो चलते हैं गाइस। और मैंने एक चीज नोटिस किया गाइस, ये साले दोनों अपने में फुसाते रहते हैं गांडूला, तुम अपना करना है। तो दोस्तों इधर गेहूं कटाई हो रही है, चलो देखते हैं हम उधर जाके कि कौन कौन काट रहे हैं, कितने जने काट रहे हैं। मुझे यहाँ से दो जने दिखे, अगर तो चलो गाइस, हाँ तो गाइस चलते हैं हम लोग उधर, ये गेहूं कटाई हो रही है, इधर भी एक टोंग है। इधर भाई साहब, इधर इस वाले रास्ते पे ज्यादा टोंग है भाई, 12 ज्यादा है इधर हमारे, मेरे खेत के उधर साइड ज्यादा कम नहीं, बहुत ज्यादा। उधर भी एक है, चलो हर जगह 12 है, बहुत सारा है भाई। ये देखिए एक टोंग है, ये अपना ही है, ध्रुव के साइड में जो रहते हैं हमारे, वो बुआ लगते हैं पता नहीं, तो उनका ही है ये जान पहचान का अपना। बट अब यहाँ पे अभी रेस्ट नहीं करेंगे, टाइम नहीं है ज्यादा, मैं सामने ही खेत है उधर का भी, मैं आपको टूर कराता हूँ 2 मिनट में। चलो चलते आगे, चुप। ये देखिए गाइस कितने बड़े बड़े, दो मतलब ज़्यादा भी बड़े नहीं है लेकिन बहुत पुराने पेड़ है। शाम के देखने के टाइम अगर बहुत लाल सा सूरज होता है तो बहुत, मैं इस साइड को होता है तो इधर अगर आप बैठ के देखोगे ना, बहुत ज़्यादा मस्त व्यू आता है इधर से।
अब जैसे खेत में पूरा मतलब छाया हो गया इसी पेड़ की वजह से, इसलिए इस पे बहुत सारे मतलब वो भी है, आप लोग देख सकते हैं, बबलू बबूल का पेड़ कहते हैं इसे, हमारा दोस्त बोल रहा है ये अभिजीत, बबलू का नहीं भाई बबूल का पेड़, इसमें मतलब पक्षियों का वो भी है, घोंसला भी है दो चार, तो नेस्ट बोलते हैं, नेक्स्ट नहीं भाई, नेस्ट बोलते हाँ नेस्ट, इधर भी है बबूल के पेड़ छोटे छोटे, सहतूत के पेड़ है उधर भी है खेत में, हमारे इधर खेत में भी भाई पेड़ वेड़ अपने आप उग जाता है, कोई लगाता नहीं है, ऐसा होता है भाई। ये विलेज पे मतलब ऑक्सीजन इज अ फ्री, बहुत मतलब शेम, मुझे इंग्लिश नहीं आता है ज्यादा भाई, तू बोल दे बड़े बिल्डर, ऑक्सीजन एकदम क्लीन मिलता है जो बोलते हैं। हाँ। आप हमारे इस भाई को भाई हार्ट अटैक आ रहा है भाई, आपने पहले ही देखा होगा हमें एक अंडा मिला था, तो वो अंडा ही मतलब आज के ब्लॉग में सबसे ज्यादा मेन था, तो हम देखते हैं और भी कुछ मिलता है सामने, हम लोग जाते ही जा रहे हैं। तो गाइस ये रहा मेरा खेत गाइस, 2 बीघा है, आपको बीघा का मतलब नहीं पता होगा, यही वाला है गाइस हमारा खेत, ये वाला ही, ये जो आप देख रखे हैं इधर से घेरा घेरा, आप शायद को आप शायद देख सकते हैं, और इधर साइड में भी हमारे हैं चाचा वाला पानी, हाँ वो टिर्री, हमारे यहाँ पे एक लैम्बोर्गिनी है, जो टिर्री है उसका नाम हमने लैम्बोर्गिनी रखा है, तो उनके घर पे गए थे हम लोग पानी भरने, तो ये पानी पीने लग गया गाइस, ये थोड़ा अपना देख रहा है चारों तरफ, बहुत दिन बाद आया ना ये हमारा गेमर, बहुत दिन बाद निकला घरों से, इसलिए मैं तो आता रहता हूँ भाई, मेरा काम है बहुत जगह, इनकी तरह मैं बेरोजगार नहीं हूँ, काम करता हूँ अपना, ठीक है। तो गाइस चलो हम लोग चलते हैं अभी आगे की तरफ, देखते हैं क्या होता है सामने जाके, तो इधर तो अभी ज़्यादातर, अब मैं बता दूँ ये गेहूँ वेहूँ कटा है ना, तो ज़्यादातर 80% लोगों का कट गया, 20% जो रह गया वो अपना कर रहे हैं अपना, हमारा तो निकल गया, हम तीनों का जो खेलते हैं अपना, हम तो करते हैं थोड़ा बहुत काम करते हैं, पापा लोग करते हैं, तो हमारा तो निकल ही गया, खैर अभी बहुत सारे लोगों का बाकी है, ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं रास्ते में, रात को थोड़ा कटना होता है, ये जो रास्ते पे हम अभी चल रहे हैं भाई थोड़ा भूतिया टाइप का, मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये रास्ता है भूतिया, ठीक है, तो भूतिया, दिस इज अ भूतिया रोड, और इसमें एक हम मैंने बताया था कुआ है, मैं उधर गया नहीं, मैं आपको दिखा देता, तालाब है इधर इस साइड को है, इस साइड को श्रापित तालाब है, वो पता नहीं क्या है उधर, तो लोगों को भूत भूत दिखते रहते हैं, पानी पता नहीं था, पता नहीं कैसे सूख गया कुछ वैसे, और वो जो कुआ है उसमें पहले ही 2-4 लोग मर चुके हैं, पता नहीं कुछ है उसमें, कांच वाच भरा रहता है, अभी पूरा तो, क्लीन हो गया बिल्कुल क्लीन, अभी तो कुछ नहीं है उधर, पेड़ वेड़ लगा दिया अभी, कुछ नहीं है वैसा, कुछ नहीं है, ज्यादा वैसे भूत भूत पे विश्वास करना नहीं चाहिए, बट हम तो करते भाई, मैं नहीं करता मतलब करता हूँ थोड़ा बहुत, डर तो लगता है भाई इधर भूत होता है, तो करता तो पड़ता है भाई, ऐसा क्या है, करता हूँ मैं बता दे रहा हूँ, देखो डर के मारे साला बोतल फेंक दिया इसने, हमने देखा है। तो गाइस हम ब्लॉग इधर ही खत्म करते हैं, क्योंकि हमें अभी खेलने भी जाना है, हम लोग थोड़ा अभी खेलने जाएंगे, और अभी हम लोग और हम लोग इसका पार्ट 2 भी निकालेंगे, जो कबूतर का अंडा देखा था उसका, अगर बच्चे निकलते हम डायरेक्ट आएंगे उधर, बच्चे बच्चे देखेंगे उसका, हम पार्ट 2 वाला ब्लॉग बना देंगे, और उधर से भी घूमने जाएंगे अगली बार भी, इसके बीच में भी हम ब्लॉग, हम रोज रोज का है हमारा, रोज हम ब्लॉग छोड़ेंगे, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा दिल से, और लाइक कर दीजिएगा गाइस, कमेंट भी कीजिएगा, लेकिन शेयर मत करना, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये शेयर मत करना, ये हमारा गेमर का भी कहना है, और ये बॉडी बिल्डर देखो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है गाइस, ये कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये, तो गाइस गाइस बाय बाय, चलो बाय कर दो।